आज हम जो चर्चा करेंगे वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के ऊपर करेंगे। मैंने जो पिछला लेक्चर दिया था उसमें आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था, डीएनए आरएनए के बारे में बताया था, उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। मैं थोड़ा सा याद करा पिछले लेक्चर का, थोड़ा सा आपको याद कराना चाहता हूँ बिकॉज उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है इसके साथ में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर किया, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए उसको, ठीक है? और उसके बाद मैंने आपको रेप्लिकेशन के बारे में बताया था कि डीएनए से डीएनए कैसे बनाते हैं, है ना? तो अब हम उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर और ट्रांसलेशन के ऊपर। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए बायोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है और ट्रांसलेशन कैसे होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम द आरएनए। सो डीएनए से आरएनए, डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसे हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और जब हम आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं तो उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये हम दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में करेंगे, प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स में। थोड़ा सा इनके प्रोसेसेस में डिफरेंस है, वो हम जब स्लाइड्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोकैरियोट्स इस मैकेनिज्म का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म का प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स में क्या फर्क है। सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन पे आते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन को बोला जाता है द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स यूजिंग डीएनए स्ट्रैंड्स एज टेम्पलेट्स सो दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। अगर आप मेरे सामने ये पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर में आप देखेंगे कि जो डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसीजर को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो जो आपको याद होगा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होती हैं, है ना, एक 5' टू 3' और एक 3' टू 5'। तो जब ये दो स्ट्रैंड्स होती हैं तो नेचुरली जब आरएनए बनेगा तो इनमें से एक को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाता है जिससे कि आरएनए बनेगा, राइट? आरएनए बनेगा तो उस को बनने से पहले, आरएनए के बनने से पहले वो जो डीएनए है वो आपस स्ट्रैंड्स दो आपस में इंटरट्वाइंड है, वो सेपरेट होंगी, वो सेपरेट होंगी, तभी एक जो डीएनए टेम्पलेट है स्ट्रैंड वहां पे आरएनए सिंथेसिस शुरू होगा। अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आपको बताया हुआ है, और जो डीएनए की स्ट्रैंड जो कि एक आपको पर्पल कलर में नजर आएंगी, आप देखेंगे कि वो जो दो डीएनए स्ट्रैंड है ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट इज इन द ग्रीन कलर, और राइट हैंड साइड पे ये पर्पल कलर में है। तो आप देखेंगे कि ये बीच में राइट इन द मिडल दे हैव सेपरेटेड, ठीक है? तो वो सेपरेट हो चुकी हैं। क्यों सेपरेट हो चुकी हैं? बिकॉज अगर उसके आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको आरएनए पॉलीमरेज दिखेगा, है ना, आरएनए पॉलीमरेज, बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो जब आरएनए पॉलीमरेज लगता है तो डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाती हैं, फिर आरएनए पॉलीमरेज लगता है और फिर आरएनए का सिंथेसिस होता है। और ये जो आरएनए का सिंथेसिस होता है आप पिक्चर में देख रहे होंगे ये डीएनए के साथ इंटरट्वाइंड है, है ना? तो ताकि आरएनए स्मूथली सिंथेसाइज होता रहे 5' टू 3' सीक्वेंस में, ठीक है? और दो डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं, एक जो जहां पे आप देखेंगे आरएनए इंटरट्वाइंड है उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाता है, और दूसरी डीएनए स्ट्रैंड्स को नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाता है। अब हम ओवरव्यू पे आते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आरएनए कई तरह के होते हैं जिसमें मेनली तीन होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, और बाकी सारे भी अब कई सारे आरएनए फाइंड आउट किए गए हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी जाती है, बट उसमें से एक स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे, बिकॉज वो भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में अपना एक रोल अदा करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मैसेंजर आरएनए, जो कि पहला मैसेंजर आरएनए, जो कि पहला आरएनए का टाइप है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो ये बेसिकली क्या करता है, एनकोड्स फॉर द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड। जो आपका प्रोटीन बन रहा है उसको पॉलीपेप्टाइड भी बोला जाता है, तो उस पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्या होंगी उसके बारे में जानकारी देता है। जानकारी कैसे देता है कि वो बेसिकली जो सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एमआरएनए है, जो बेसिस की लाइन है, सीक्वेंस है एमआरएनए की, वो डिटरमिन करती है कि कौन सा अमाइनो एसिड जुड़ेगा, ठीक है? दूसरा है ट्रांसफर आरएनए।
ट्रांसफर आरएनए का क्या फंक्शन है? इट ब्रिंग्स द अमाइनो एसिड टू राइबोसोम्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो ये टीआरएनए क्या करता है कि वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड लेके आता है जिसके बारे में एमआरएनए बताता है कि अपनी सीक्वेंस से, तो उसी सीक्वेंस को पढ़ के टीआरएनए वही अमाइनो एसिड लाता है और वो फिर राइबोसोम्स के साथ में अटैच होता है जहां की ट्रांसलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो वो ट्रांसलेशन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है। तीसरा है राइबोसोमल आरएनए, है ना, एज अ नेम इंडिकेट राइबोसोमल आरएनए, सो इट कंबाइंस विद प्रोटीन्स टू फॉर्म राइबोसोम द कैटलिस्ट फॉर ट्रांसलेशन। तो ये जो सारा ट्रांसलेशन होता है जो कि वो कहाँ पे होता है, राइबोसोम, है ना। तो राइबोसोम जो आरआरएनए है आपका, इट कंबाइंस विद प्रोटीन्स टू फॉर्म द राइबोसोम, क्योंकि वो राइबोसोम होगा तभी ट्रांसलेशन होगा, नहीं तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है। और चौथा है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एज अ नेम इंडिकेट स्मॉल SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इट कंबाइंस विद प्रोटीन्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस यूज्ड इन यूकैरियोटिक आरएनए प्रोसेसिंग। जनरली इसका प्रोकैरियोट में नहीं, यूकैरियोटिक में आरएनए प्रोसेसिंग में काम होता है, वो हम जब हम आएंगे उस स्लाइड्स के ऊपर फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आरएनए की प्रोसेसिंग की जाती है। और ये जो चौथा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, ये बेसिकली प्रोटीन्स को इकट्ठा करता है, उनके कॉम्प्लेक्स बनाता है ताकि यूकैरियोटिक आरएनए प्रोसेसिंग की जाए। अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बेसिकली होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन को हम जीन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, इज रेगुलेटेड बाय जीन रेगुलेटरी एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद ईच जीन, ठीक है ना। तो ये ट्रांसक्रिप्शन किसी भी सेल में रेगुलेट किया जाता है, कब ट्रांसक्रिप्शन करना है, कब जीन्स का एक्सप्रेशन करना है, कब जीन्स का एक्सप्रेशन टर्न ऑफ करना है, क्योंकि ये सब जीन्स का एक्सप्रेशन अल्टीमेटली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करता है। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए अनवाइंड्स, एज द नेम इंडिकेट डीएनए अनवाइंड्स। डीएनए क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, डीएनए स्ट्रैंड्स जो आपस में इंटरट्वाइंड है वो अलग हो रही है नेक्स्ट टू द जीन, जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है, जिस जीन से प्रोटीन बनना है, उस जीन के पहले जो डीएनए जो है वो अलग अलग हो जाता है। आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड 5-2-3-, ये आपके लिए बहुत जानकारी बहुत जरूरी है कि आरएनए किस डायरेक्शन में, आपको याद होगा मैंने जब रेप्लिकेशन भी करा था तब भी मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन बताई, रेप्लिकेशन बताई थी, डीएनए की रेप्लिकेशन 5-2-3- में होती है। सिमिलरली आरएनए की भी ट्रांसक्रिप्शन 5-2-3- होता है, नया डीएनए भी 5-2-3- में बनता है, डायरेक्शन में बनता है, और नया आरएनए भी 5-2-3- डायरेक्शन में ही बनता है। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इज रेड फ्रॉम, ऑब्वियसली अगर आरएनए 5-2-3- बनेगा तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कैसे रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 3-2-5-, बिकॉज हमेशा कॉम्प्लीमेंटरी होता है ना, तो कॉम्प्लीमेंटरी होता है, अगर एक 5-2-3- है आरएनए तो डीएनए ऑब्वियसली 3-2-5- होगा, और जो कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड है द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड हैज द सेम पोलैरिटी एज द आरएनए, ठीक है, जो नॉन टेम्पलेट है। मैंने आपको पिछली उसमें भी बताया था, नॉन टेम्पलेट अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप देखेंगे तो पहली स्लाइड में नॉन टेम्पलेट ऊपर देख रहे हैं टेम्पलेट के, सो इट हैज द सेम पोलैरिटी एज द आरएनए। नेक्स्ट आरएनए पॉलीमराइजेशन, आरएनए पॉलीमराइजेशन इज सिमिलर टू डीएनए सिंथेसिस, जैसे डीएनए की रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन में डीएनए सिंथेसिस होता है, आरएनए पॉलीमराइजेशन भी सिमिलर है डीएनए सिंथेसिस के, बट उसमें कुछ डिफरेंसेस है दोनों प्रोसेसेस के बीच में, ठीक है, क्या डिफरेंसेस है? नंबर वन, द प्रिकर्सर्स आर एनटीपी, यही मैंने आपको फर्क बताया था, अगर आपको याद हो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में बताया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, वहां पे डीऑक्सीएडीनोसाइन डीऑक्सीग्यूनोसाइन आपने किया था, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड है एनटीपी है ना, न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट, वहां पे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट थे, तो आरएनए में न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट है। और एक और जरूरी बात कि इसमें किसी भी प्राइमर की जरूरत नहीं है, रेप्लिकेशन में हमें आरएनए प्राइमर हम यूज करते थे, इसमें हमें कोई भी प्राइमर की जरूरत नहीं है। और थर्ड जरूरी बात, अगेन हम स्ट्रक्चर पे आते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है, सो यूरेसिल इज इंसर्टेड इंस्टेड ऑफ थाइमिन। नेक्स्ट, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सिमिलरिटी, अब दोनों में समानता क्या है,
ठीक है, तो दोनों ही प्रोसेसेस यूजेस डीएनए एज ए टेम्पलेट, दोनों ही डीएनए को टेम्पलेट की तरह यूज करते हैं। एक डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट होती है जिससे कि डीएनए या आरएनए सिंथेसिस किया जाता है। दूसरा क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर फॉर्मड इन बोथ द केसेस। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स मैंने आपको पहले भी बताया 5-2, 3- डायरेक्शन वाले, वो इन दोनों केसेस में फॉर्म होते हैं, डीएनए में भी और आरएनए में भी। और दोनों की डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस में जैसे मैंने पहले बताया, इट विल बी फ्रॉम 5-2, 3-। नेक्स्ट, अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज्ड सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन ए डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो आप देखेंगे कि एक डीएनए का टेम्पलेट आप देख रहे हैं, डीएनए के टेम्पलेट में आप देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज कैसे सिंथेसाइज कर रहा है। इनकमिंग रिबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और अगर आप देखेंगे उससे ऊपर हमने फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बताया हुआ है। हमारी डायरेक्शन क्या है, 5-2, 3- जैसे मैंने अभी बताई है ना। तो जो एक नया है वो देखेंगे थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट पे आके लगता है, और वहां पे सो द डायरेक्शन बिकम्स 5-2, 3- बिकॉज़, राइट, गॉट इट। और अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, राइट हैंड साइड में देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज चेन ग्रोथ हो रही है ना। आप देख रहे हैं डी एक तरफ ग्रोइंग आरएनए स्ट्रैंड और डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब डिफरेंसेस क्या हैं बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये जानना बेहद जरूरी है आपके लिए कि दो प्रोसेसेस के बीच में जहां समानता है तो वहां डिफरेंसेस भी हैं रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बीच में, ठीक है। तो रेप्लिकेशन में दो स्ट्रैंड्स होती हैं टेम्पलेट, बट ट्रांसक्रिप्शन में ओनली सिंगल स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड। और सबस्ट्रेट क्या है इसका, मैंने आपको पहले बताया न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जबकि रेप्लिकेशन में हम डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट यूज करते हैं। प्राइमर ट्रांसक्रिप्शन में नहीं यूज करते, रेप्लिकेशन में यूज करते हैं। एंजाइम वहां पे डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज। प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और रेप्लिकेशन में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और वंस अगेन बेस पेयर्स में भी यहाँ पे हम यूरेसिल होता है, और रेप्लिकेशन में डीएनए में हम थायमिन यूज करते हैं बिकॉज डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, सो ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है इट्स वेरी सिस्टमेटिक वे, तो इस काफी बड़ा प्रोसेस प्रोसीजर है, तो इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। हम तीन हिस्सों में इसलिए क्योंकि हमें समझने में और पूरा जो प्रोसीजर है बारीकी से जानकारी मिल सके, इसलिए कि इनिशिएशन में क्या होता है, फिर इलॉन्गेशन में क्या होता है और खत्म कैसे होता है ना। तो हम सबसे पहले इनिशिएशन पे आएंगे, बट पहले हम ये दो चार चीजें चर्चा कर लें। जैसे प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन, जो इलॉन्गेशन है हाईली कंजर्व्ड है, मतलब बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसीजर होता है इलॉन्गेशन में, बट इनिशिएशन जब स्टार्ट होता है और टर्मिनेशन, ये दोनों अलग अलग है इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो थोड़ी सी भिन्नता है जो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, ठीक है। होल जीनोम ऑफ डीएनए नीड्स टू बी रेप्लिकेटेड, सारा जीनोम डीएनए का रेप्लिकेट हो सकता है, बट ट्रांसक्रिप्शन ओनली हैपेंस ओनली फॉर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का एक बहुत स्मॉल पोर्शन ही ट्रांसक्रिप्ट होता है टू मीट द डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। तो डीएनए का एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट ही, बहुत छोटा सा पोर्शन ही ट्रांसक्राइब्ड होता है। डीएनए रीजन्स दैट कैन बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन्स। तो उन जो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं रीजन उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। अब हम वापस आते हैं टेम्पलेट पे, जैसे मैंने आपको बताया था टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है, ठीक है। आप देखेंगे 5-2, 3- में एक कोडिंग स्ट्रैंड है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड से आपकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, आरएनए बन रहा है। तो आप देखेंगे जहां टेम्पलेट स्ट्रैंड में सी है, साइटोसीन है, डिऑक्सी साइटोसीन है, वहां पे आपका ग्यूनीन है, ठीक है। और जहां पे जी है आपका, वहां पे सी है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। सो द कोडिंग स्ट्रैंड इज द स्ट्रैंड हुज बेस सीक्वेंस स्पेसिफाई द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द एनकोडेड प्रोटीन। अभी ध्यान में रखिए कि अभी आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ट्रांसलेशन फर्दर होगी, अभी ट्रांसलेशन नहीं हुई है। ट्रांसलेशन में अमाइनो
प्रोटीन बनता है जो कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस होती है जिसमें, ठीक है। तो वो जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होती है उस प्रोटीन में, वो कैसे डिक्टेट होती है? वो डिक्टेट होती है बेस सीक्वेंस में जो कि कोडिंग स्ट्रैंड में है। सो इसीलिए इसको सेंस स्ट्रैंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो दो स्ट्रैंड्स हो गए आपके, एक सेंस स्ट्रैंड्स और एक एंटी सेंस स्ट्रैंड्स। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगा उसे हम एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, और जो आपका कोडिंग स्ट्रैंड रहेगा उसे हम सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। एसिमेट्रिक ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड, जैसे मैंने आपको बताया कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज होता है, कोडिंग स्ट्रैंड नहीं होता है। जो ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन है वो आप पिक्चर में देखेंगे तो आपको नजर आएगी कि देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड के नीचे कोडिंग स्ट्रैंड है, और जहां टेम्पलेट स्ट्रैंड है नीचे आप देखेंगे उसके ऊपर कोडिंग स्ट्रैंड है। तो इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि द ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्शन ऑन अपोजिट ऑन डिफरेंट स्ट्रैंड इज अपोजिट। तो जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है अलग अलग स्ट्रैंड पे अपोजिट रहेगा। अब हम आते हैं आरएनए पॉलीमरेज जो कि स्टार्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है आरएनए सिंथेसिस के लिए वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करता है, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली एंजाइम है। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन का वजन जो आपको बताया गया है आरएनए पॉलीमरेज का, वो देखा गया है वो है 480 किलो डाल्टन, ठीक है। मल्टी सब यूनिट है, मल्टी सब यूनिट मतलब कई सारे सब यूनिट्स हैं इसमें। सो कई सारे सब यूनिट्स हैं इस एंजाइम में, और इसका वजन है अराउंड 480 किलो डाल्टन। अभी मैं यूकैरियोटिक में बात करूं तो यूकैरियोटिक में तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं, थ्री काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ईच विद ए मल्टी सब यूनिट प्रोटीन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट आरएनए। और यूकैरियोटिक सिस्टम में कई तरह के आरएनए बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मल्टी सब यूनिट प्रोटीन स्ट्रक्चर रहता है, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है बिटवीन प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एंड यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट, अभी आप देखिए आरएनए पॉलीमरेज ऑफ इकोलाई प्रोकैरियोट में उसके अलग अलग स्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज के अलग अलग स्ट्रक्चर, तो उसमें आप देखेंगे कि कितने सारे सब यूनिट हैं, पांच सब यूनिट है। इवन प्रोकैरियोट में भी आप देखिए पांच सब यूनिट है, अल्फा बीटा बीटा डैश ओमेगा और सिग्मा, ठीक है। अब इनके मॉलिक्यूलर वेट भी मैंने आपको बता रखे हैं, अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट हैं, और इनके अलग अलग फंक्शन है, हर एक सब यूनिट का अपना फंक्शन है, ठीक है। तो अल्फा सब यूनिट डिटरमाइन द टाइप ऑफ डीएनए टू बी ट्रांसक्राइब, बीटा कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन, बीटा डैश बाइंड्स एंड ओपन डीएनए टेम्पलेट, सिग्मा रिकॉग्नाइज अ प्रमोटर फॉर सिंथेसिस इनिशिएशन। एक का फंक्शन अभी अननोन है, बट ये देखा गया है कि ये जब पांचों सब यूनिट मिलते हैं, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के, तभी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स का, ठीक है ना। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी जहां पे हम यूकैरियोट्स के बारे में बात करेंगे, तो अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। इसमें तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं, 1, 2, 3, ठीक है, और उनके अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज इज यूज फॉर द ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म 45 sRNA, और जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है, 2 है, वो हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बनाता है, और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो 5sRNA बनाता है, tRNA, ट्रांसफर आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाता है। सो आप देखेंगे तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज हमें चाहिए यूकैरियोट्स में, अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए बनाने हैं। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होने से पहले हमें शुरू होता है रिकॉग्निशन ऑफ रीचर की, कहां से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन रीजन है उसे हम बोलते हैं ओपरोन, ठीक है। हर एक ओपरोन में कई सारे स्ट्रक्चरल जीन्स रहते हैं और अपस्ट्रीम रेगुलेटरी सीक्वेंस रहती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपस्ट्रीम रेगुलेटरी सीक्वेंस होती क्या है। जहां से जीन की ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है, स्ट्रक्चरल जीन की ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है, उससे पहले जो बेस सीक्वेंस होती है ऑलमोस्ट -35 या -10, अब -35 या -10 इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है उसके पहले होते हैं ये अपस्ट्रीम रेगुलेटरी सीक्वेंस। ये सीक्वेंस होते हैं जो कि सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जो रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो या नहीं। रेगुलेट का मतलब कंट्रोल करते हैं कि वो हो या ना हो,
ठीक है, तो जो प्रमोटर इज द डीएनए सीक्वेंस दैट द आरएनए, और प्रमोटर किसे बोलते हैं, जहां उस डीएनए सीक्वेंस को बोलते हैं प्रमोटर जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, ठीक है। और ये बहुत की पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने का, को कंट्रोल करने का, ठीक है। अगर प्रमोटर होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगी, नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन जहां पे शुरू है वहां पे पिंक कलर में आपको दिखाया हुआ है, और जो प्रमोटर है उससे पहले दिखाया हुआ है। तो प्रमोटर पे आके डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, और उससे पहले रेगुलेटरी सीक्वेंस कुछ लिखी हुई है ना, तो रेगुलेटरी सीक्वेंस रेगुलेट करती है कि ट्रांसक्रिप्शन हो या ना हो, प्रमोटर पे बाइंड करेगा। नेक्स्ट अब देखेंगे आप प्रोकैरियोटिक प्रमोटर। अब यहाँ इस पिक्चर में आपको थोड़ा काफी क्लियर हो जाएगा, आप देखेंगे कहां से स्टार्ट हो रहा है, वन से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन सिंथेसिस है, फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चरल जीन आरएनए का है, वो वन से शुरू होगा एंड इट विल गो ऑन टू द राइट हैंड साइड। उससे पहले आप देखेंगे -10 रीजन पे आप एक प्रिबनो बॉक्स देख रहे होंगे, और एक -35 रीजन पे भी आप कुछ सीक्वेंस देख रहे होंगे, TTGACA, है ना। तो इसको हम कंसेंसस सीक्वेंस बोलते हैं। बेसिकली ये प्रमोटर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रमोटर्स, जहां पे कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ठीक है। तो -35 रीजन ऑफ TTGACA सीक्वेंस जो अभी आपने देखी इज द रिकॉग्निशन साइट। ये क्या है, रिकॉग्निशन साइट है, मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज इसको रिकॉग्नाइज करता है इस साइट को, तभी वो आके यहाँ पे बाइंड करेगा। बाइंड कहाँ करेगा, इसके बाद -10 रीजन पे। तो द -10 रीजन ऑफ TATAAT is the region at which a stable complex of DNA and RNA polymerase is formed. तो recognize वो कहाँ करेगा, -35, मतलब वो पढ़ता है, ठीक है ना। तो पढ़ रहा है आरएनए पॉलीमरेज, वो क्या देख रहा है, -35 रीजन पे जब उसे TTGACA सीक्वेंस नजर आ गई, उसके बाद वो -10 रीजन पे आके बाइंड कर जाएगा, ठीक है, और फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इनिशिएशन फेज में क्या हुआ, आपके आरएनए पॉलीमरेज ने प्रमोटर को रिकॉग्नाइज किया और ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर दिया। इलॉन्गेशन में आरएनए बनता रहेगा, ठीक है, चालू रहेगी आरएनए की सिंथेसिस, और टर्मिनेशन फेज में क्या होगा, आरएनए की सिंथेसिस बंद हो जाएगी और जो आपका आरएनए है वो डीएनए टेम्पलेट से अलग हो जाएगा। ये देखिए इनिशिएशन, अगर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो डबल हेलिकल डीएनए है, वो अनवाउंड हो गया है बीच में, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया है और उसने उस कॉम्प्लेक्स को, जो डीएनए कॉम्प्लेक्स था, उसे अनवाउंड कर दिया है, ठीक है। तो अनवाउंड रीजन इज अबाउट 17+1-base पेयर। तो पहला न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है, ये जनरली प्यूरीन ट्राइफॉसेट होता है, जनरली जीटीपी होता है, एटीपी नहीं होता, जीटीपी होता है, जीटीपी इज मोर ऑफन, मतलब जीटीपी ज्यादा होता है एटीपी के मुकाबले। फिर आपका PPGNOH structure remains on RNA transcript until the RNA synthesis is completed. ये structure तब तक रहता है जब तक, मतलब ये जब तक RNA synthesis खत्म ना हो जाए, और ये तीन molecules एक transcription initiation complex भी बनाते हैं। एक और जरूरी बात कि RNA synthesis में, जैसे मैंने बताया, replication से थोड़ा सा फर्क है कि इसमें कोई प्राइमर की जरूरत नहीं होती, और एप्लीकेशन में आपको आरएनए की जरूरत, आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है। इसके लिए आपको ट्रांसक्रिप्शन में कोई किसी भी प्राइमर की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और जरूरी बात ट्रांसक्रिप्शन के रिलेटेड में, जो आपका सिग्मा सब यूनिट है, इट फॉल्स ऑफ फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज वंस द फर्स्ट, पहला 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब बन जाता है, तो जो सिग्मा आपका सब यूनिट है वो इट फॉल्स ऑफ, निकल जाता है वो आरएनए पॉलीमरेज से। इसका भी बहुत जरूरी फंक्शन है कि वो चला क्यों जाता है, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। द कोर एंजाइम मूव्स अलोंग द डीएनए, तो जो कोर एंजाइम है वो डीएनए टेम्पलेट से फिर इलॉन्गेशन, फ्रॉम इनिशिएशन फेज से वो इलॉन्गेशन फेज में चला जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था सिग्मा सब यूनिट का, है ना, तो सिग्मा सब यूनिट का जो रिलीज होना क्या करता है, इट कॉजेस अ कंफर्मेशनल चेंज। तो जो एंजाइम की जो कंफर्मेशन है वो चेंज हो जाती है। एंजाइम आपको पता है क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन की डिफरेंट डिफरेंट कंफर्मेशन होती है, है ना, तो वो कंफर्मेशनल चेंज आता है उसमें, ठीक है। और जो कोर एंजाइम है, इट स्लाइड्स ऑन द डीएनए टेम्पलेट टुवर्ड्स द 3' एंड, तो 3' एंड की तरफ ज्यादा स्लाइड होना शुरू हो जाता है। अब जो फ्री एनटीपी है वो सिक्वेंशली 3-OH एंड पे
आरएनए के आके जुड़ना शुरू हो जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन आपका शुरू हो गया। नेक्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए सेगमेंट ऑफ अबाउट 40 न्यूक्लियोटाइड्स एंड द नेसेंट आरएनए फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल, है ना। तो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है बीच में, ऐसा नहीं कि कोई भी बीच में आ जाए, तो एक ट्रांसक्रिप्शन बबल रहता है, बबल रहता है कि उस बबल में ट्रांसक्रिप्शन होती रहती है धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो वो ट्रांसक्रिप्शन, उस ट्रांसक्रिप जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसक्रिप्शन बबल में होता है, ठीक है, जिसमें कि अराउंड डीएनए की 40 न्यूक्लियोटाइड्स रहती है। द थ्री डैश सेगमेंट ऑफ नेसेंट आरएनए, जो नेसेंट आरएनए आपका बन रहा है, इट हाइब्रिडाइज विद द डीएनए टेम्पलेट, है ना। तो वो डीएनए टेम्पलेट के साथ में हाइब्रिडाइज करता है, बिकॉज उसे भी स्टेबिलिटी चाहिए ना, अगर वो खुला रहेगा तो वो तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसलिए वो हाइब्रिडाइज रहता है। एंड इट्स फाइव डैश एंड पे ट्रांसक्रिप्शन और सिंथेसिस होती रहती है। ये देखेंगे आप ट्रांसक्रिप्शन बबल पिक्चर में, ठीक है। यहाँ पे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी दिखाई हुई है आपको, टेम्पलेट स्ट्रैंड जहां पे सिंथेसिस होता है वो आप देख रहे हैं। बीच में देखेंगे आप डीएनए अनवाउंड हुआ हुआ है और आरएनए सिंथेसिस चल रहा है, और जो नया आरएनए सिंथेसिस चल रहा है उसमें आप देखेंगे डीएनए आरएनए हाइब्रिड भी बना हुआ है, जो कि अराउंड 8 बेस पेयर्स का है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन हो रही है आरएनए की फ्रॉम 5' टू 3', ठीक है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है ये बेसिकली प्रोटेक्ट करके रखता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। ये देखेंगे आप बाइंडिंग हो रही है, आरएनए पॉलीमरेज के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो इकट्ठे हैं वो होते हैं, और फिर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। बाइंड करने पे आप देखेंगे पहले क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स होता है, वो धीरे धीरे जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाता है तो आपकी जो टेम्पलेट स्टैंड है वो ओपन हो जाती है। नेक्स्ट, फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन एलोंगेशन फेज शुरू हो जाती है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे सिग्मा सब यूनिट निकल गया फिर एलोंगेशन शुरू हो गई, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स की एक खास बात है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली होती रहती है, ठीक है, तो इकट्ठे होती रहती है, जो कि यूकैरियोट्स में नहीं होती। यूकैरियोट्स में आपकी जो ट्रांसलेशन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आना होता है और वहां पे होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इकट्ठी हो सकती है, जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फाइनल स्टेज में, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है फाइनल स्टेज में टर्मिनेशन की, खत्म कैसे होता है, ठीक है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रांसक्रिप्ट बन गया हमारा, आरएनए बन गया, ठीक है, तो उसकी टर्मिनेशन दो तरह की होती है प्रोकैरियोट्स में, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट मैनर, ठीक है। अब ये पहले हम आते हैं रो डिपेंडेंट के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो आपका टेम्पलेट से आपका ट्रांसक्रिप्ट आरएनए बन गया, आप देखेंगे एंड में यू 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 नजर आ रहा है आपको 3' एंड पे, ठीक है, और 5' एंड पे आपको सी 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 नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए कैसे फोल्ड कर गया। जनरली आपको पता है सिंगल स्टैंड होते हैं, बट जब टर्मिनेशन करनी होती है तो ट्रांसक्रिप्ट फोल्ड टू फॉर्म टर्मिनल हेयर पिन, तो आप हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। यू 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 जब आ जाता है तो ये बेसिकली यू 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 इंडिकेट करता है कि अब टर्मिनेशन हेयर पिन स्ट्रक्चर बन जाए, ताकि टर्मिनेशन शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये टर्मिनल हेयर पिन स्ट्रक्चर बन जाता है और ये बाद में यू यू डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यूजिंग एटीपी एनर्जी, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है रो फैक्टर में, और फिर आपका टर्मिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, दो तरह की टर्मिनेशन अभी मैंने आपको बताई, एक रो डिपेंडेंट और दूसरी रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, ठीक है। तो द टर्मिनेशन सिग्नल इज अ स्ट्रेच ऑफ अबाउट 30 to 40 न्यूक्लियोटाइड्स। अगेन जैसे मैंने बताया इसमें भी रिकॉग्निशन होती है, 30 से 40 न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में है वो सिग्नल दे देते हैं कि अब टर्मिनेशन शुरू किया जाए। और उसका सिग्नल क्या है कि उसमें ज्यादातर आपको जीसी सीक्वेंस मिलेंगी, जीसी जीसी फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ यू 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 यू, ठीक है। द सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस नेसेंट आरएनए ट्रांसक्रिप्ट विल फॉर्म स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर। पहले हमने देखा था हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, तो अब हम देखेंगे स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और वो बताएगा कि अब टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन जो है टर्मिनेट कर दी जाए। आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आप देखेंगे आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो हुआ ग्रीन कलर में आप देखेंगे, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, आइसोमराइज कर गया, टर्मिनल स्टेम हेयर लूप स्ट्रक्चर बना दिया उसने आपस में, ठीक है, ताकि टर्मिनेशन हो सके, ठीक है। और जब टर्मिनेशन हो जाती है
तो जो जितने भी सब यूनिट्स इकट्ठे हुए होते हैं वो धीरे धीरे से अलग होने शुरू हो जाते हैं और वापस जो डीएनए है वो वाउंड कर जाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो गई, उसके बाद डीएनए वापस से अपना इंटरट्वाइंड कर लेते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स और फिनिश हो जाता है। हमारा जो प्रोसीजर था ये तीन हिस्सों में था, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, ये स्टेम लूप के बारे में बताया हुआ है कि स्टेम लूप जो फाइनल टर्मिनेशन होता है उसमें क्या होता है, ऑल्टर्स द कंफर्मेशन, ये भी कंफर्मेशन चेंज कर देता है आरएनए पॉलीमरेज की, लीडिंग टू पॉज, आरएनए सिंथेसिस जो है वो उस पे पॉज लग जाता है, रुक जाती है ना। और अब जो डीएनए आरएनए और आरएनए आरएनए हाइब्रिड जो बनता है स्टेम लूप में, उसके बीच में कॉम्पिटिशन शुरू होता है और वो रिड्यूस कर देता है डीएनए आरएनए हाइब्रिड स्टेबिलिटी, है ना। डीएनए पहले जो आरएनए के साथ अटैच होता है ना, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है जब स्टेम लूप स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उससे फिर वो डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं, हमने प्रोकैरियोट्स तो कर लिया। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या है कि प्रोकैरियोट्स में आप डीएनए टेम्पलेट के साथ में आरएनए, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड टू डीएनए टेम्पलेट डायरेक्टली, वो डायरेक्टली बाइंड होता है। बट यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में हमें कई सारे को फैक्टर्स चाहिए, ठीक है, ताकि वो सारे को फैक्टर्स होंगे, मतलब ज्यादा सारे को फैक्टर्स होंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, तो वो ज्यादा को फैक्टर्स बाइंड होंगे तभी आरएनए पॉलीमरेज अपना सिंथेसिस स्टार्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, अब अगेन इसमें भी सेम स्टेजेस हैं, ओनली थिंग इज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें जो स्टेजेस हैं इनिशिएशन और टर्मिनेशन अलग अलग है, जनरली इलॉन्गेशन सेम होता है, इट इज हाईली कंजर्व्ड बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन है नीड्स बोथ प्रमोटर इन एंड अपस्ट्रीम रेगुलेटरी सीक्वेंस, तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो यूकैरियोट्स में भी अब प्रमोटर और अपस्ट्रीम उसे रेगुलेटरी सीक्वेंस चाहिए। और इसमें एक और जरूरी बात, सिस एक्टिंग एलिमेंट्स आर द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑन डीएनए टेम्पलेट दैट रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वन और मोर जीन्स, तो इनका भी एक रोल है सिस एक्टिंग फिलामेंट्स, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। यही आप सिस एक्टिंग एलिमेंट देख रहे होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन जहां से स्टार्ट होता है और फिर सिंथेसिस होती रहती है स्ट्रक्चरल जीन की, टाटा बॉक्स देख रहे हैं आप, कैट देख रहे हैं, जीसी बॉक्स देख रहे हैं, और इनको सिस एक्टिंग एलिमेंट बोला जाता है बिकॉज दे रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन यूकैरियोट्स। ठीक है, और एक और चीज देख रहे होंगे विच इज डिफरेंस बिटवीन, जो आपने प्रोकैरियोट्स में नहीं देखी बट यूकैरियोट्स में देख रहे हैं कि इसमें आपको एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन दिखा रहा है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम तो बाद की स्लाइड्स में आएंगे तो बात करेंगे, ये एक्सॉन क्या है और इंट्रॉन क्या है। ये आपको टाटा बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है, कंसेंसस सीक्वेंस से बोलते हैं जो रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट बाइंड द प्रमोटर डायरेक्टली, प्रोकैरियोट्स में वो डायरेक्टली बाइंड कर जाता था बट यूकैरियोट्स में वो डायरेक्टली बाइंड नहीं करता, उसे क्या चाहिए, सिक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स चाहिए, छह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स चाहिए उसे, जिनमें कुछ के हमने नाम दिए हुए। ठीक है, और ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स आर द प्रोटीन्स दैट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिस एक्टिंग, सिस एक्टिंग हमने आपको बताया ना जो रेगुलेट करता है, तो ये जो ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स हैं ये प्रोटीन्स हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर बाइंड करते हैं सिस एक्टिंग फिलामेंट्स को और रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी। तो देखिए हमने छह कहे थे आपको कि छह आरएनए पॉलीमरेज को सिक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स चाहिए, वो कौन कौन से हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन, उनके भी फर्दर सब यूनिट्स हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है ये आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर। ठीक है, उसमें से जो पहला पॉलीमरेज टू है इट कैटेगराइजेस आरएनए सिंथेसिस, नंबर ऑफ सब यूनिट्स हैं 12, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A 2B। ठीक है, तो ये कई सारे फैक्टर्स आपके साथ, सिमिलरली इलॉन्गेशन में भी आप देखेंगे कई सारे फैक्टर्स हैं, है ना, तो ये सारे डिफरेंट, क्योंकि ट्रांस जब यूकैरियोट की हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो कई सारे फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है बोथ इन इनिशिएशन एंड इलॉन्गेशन। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन होने से पहले, प्री इनिशिएशन स्टार्ट होने से पहले
प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो इसमें आप देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ में कई सारे बाइंडिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E है, राइट साइड पे देखेंगे 2H है, बीच में आप देखेंगे 2F है, 2B है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे 2A है, TB ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग फैक्टर प्रोटीन है, टाटा है, टाटा तो वो सीक्वेंस है जिसको वो बाइंड कर रहे हैं। तो देखेंगे आप ये कितने सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स अलोंग विद आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म्स प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और जब तक ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट बाइंडिंग प्रोटीन, ये सारे मैंने लिखे हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये सभी क्या करेंगे, यूजिंग हेलिकेस। हेलिकेस का रोल क्या होता है, डीएनए को अनवाइंड करना, ठीक है। तो ये जब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा इनमें से 2F और 2E को बताया हुआ है कि वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ओपन करते हैं यूजिंग हेलिकेस एंजाइम अनवाइंड करता है, ठीक है। और यूजिंग एटीपी एनर्जी यूज होती है, एनर्जी चाहिए होती है अनवाउंड करने के लिए, फॉस्फोरिलेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है सबसे पहले फॉस्फोरिलेट होता है, only then the RNA polymerase can move towards downstream starting the elongation phase. Elongation phase बाद में start होगी. Most of the transcription factors follow from the pre-initiation complex during the elongation phase. देखिए आप देखिए हर एक का अलग अलग रोल है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो सब झड़ जाते हैं, हट जाते हैं, फॉल ऑफ, बिकॉज वो हटेंगे तभी इलॉन्गेशन फेज नेक्स्ट स्टेप में जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ये बताया हुआ आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सेपरेशन है, अगर आप देखेंगे बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, तो जो आपकी प्रोसेसिंग है, देखिए अगर आप बी स्ट्रक्चर की ओर देखेंगे तो डीएनए से जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है वो सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही बन रहा है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही हो रही है, ठीक है। ट्रांसलेशन जो है वो जो प्रोटीन बनता है वो साइटोप्लाज्म में बनता है, ठीक है। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो ट्रांसक्रिप्ट बना है वो पास ऑन करेगा और फिर वो साइटोप्लाज्म में आएगा और वहां पर ट्रांसलेशन शुरू होगी, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये सब इकट्ठा रहता है। टर्मिनेशन, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में टर्मिनेशन कैसे होता है, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्ट द टर्मिनेट रीजन, उसमें भी एक रीजन रहता है जिसको कि टर्मिनेट रीजन बोला जाता है। जब वो ट्रांसक्राइब्ड हो गया, ठीक है, तो जो पॉलीमरेज है वो रिलीजेस द एमआरएनए, वो आरएनए को रिलीज कर, एमआरएनए जो एमआरएनए में क्या होता है आपको मैंने बताया था, सीक्वेंस ऑफ बेसिस, जो उससे कि सीक्वेंस ऑफ बेसिस होते हैं ना एमआरएनए में, वो तो द पॉलीमरेज रिलीजेस द एमआरएनए। द टर्मिनेशन सीक्वेंस पता कैसे चलता है कि हाँ आप टर्मिनेशन आप खत्म करो, तो वो जो सीक्वेंस है दैट इज AATAAA, ठीक है। तो ये डीएनए में होती है, ठीक है, फॉलोड बाय GT रिपीट्स। तो ये सीक्वेंस जब आ जाती है इसका मतलब सिग्नल हो गया कि हाँ आप खत्म करो ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में, ठीक है। जब ये सिग्नल मिल जाता है तो जो रिलीजिंग फैक्टर है दैट इज नोटेड बाय ERF व्हिच रिकॉग्नाइज ऑल द 3 स्टॉप कोडन, स्टॉप कोडन होते हैं, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं रिलीजिंग फैक्टर, उन स्टॉप कोडन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और फिर टर्मिनेशन आपका शुरू हो जाता है जैसे कि प्रोकैरियोट्स में हुआ था। बट इसमें 3 तरह के रिलीज फैक्टर्स चाहिए हमें, RF1, RF एंड RF3, ठीक है। आप देखेंगे ये यूकैरियोट्स में कैसे हो रहा है, टेम्पलेट डीएनए से आरएनए ट्रांसक्राइब्ड हुआ, ठीक है, सिग्नल आ गया, AAU आ गया जब, तो सिग्नल आ गया कि अब खत्म ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्लीवेज सिग्नल आप देख रहे हैं, ये नेसेंट आरएनए, ठीक है। एक चीज और आप देख रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 5' कैप है, तो इस 5' कैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि क्या रोल है, क्यों जरूरी है 5' कैप, ठीक है। नेसेंट आरएनए में क्लीवेज सिग्नल आया और स्पेसिफिक एंडो न्यूक्लियस ने क्लीव कर दिया, एडिशन क्लीव किया, काट दिया और फिर उसमें पॉली ए टेल ऐड हो गई, ए आप देख रहे होंगे लास्ट में, ठीक है, ऐड हो गई और ये बन गया पॉली, क्योंकि एडीनाइन हो तो इसको हम बोलते हैं पॉली एडाइनेटेड एमआरएनए प्रिकर्सर,
सो नेसेंट आरएनए से आपका पॉलीएडाइनेटेड एमआरएनए प्रिकर्सर बन गया। ये सारी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस हैं, ये जो मैं अभी एएए ऐड हुआ एडिशन ऑफ ए, कि ट्रांसक्रिप्शन तक तो आपका एएयू एएए तक है। अब जैसे मैंने आपको बताया पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें चेंजेस हो रही है। तो डिसेंट आरएनए जैसे मैंने बताया उसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है, उसे बिल्कुल मॉडिफाई किया जाता है ताकि फंक्शनल ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए बन सके, और ये मॉडिफिकेशन बहुत क्रूशियल है। ठीक है, सबसे पहले हम मॉडिफिकेशन देखते हैं एचएन हेटरोन्यूक्लियर आरएनए की, उसे कैसे मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये जो एचएन आरएनए है ये मैच्योर आरएनए से ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, और मॉडिफिकेशन में क्या क्या होता है, कैपिंग होती है जैसे मैंने अभी आपको बताया था पिछली साइड में, एक 5' एंड पे कैपिंग की जाती है, टेलिंग ए ऐड किया जाता है, एमआरएनए स्प्लाइसिंग, एमआरएनए के कुछ पोर्शंस को काटा भी जाता है और आरएनए की एडिटिंग की जाती है। देखिए फाइनल प्रोडक्ट ऐसे नहीं आता, उसको तराशा जाता है। तो ये बेसिकली जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो रही है उसमें ये चार फैक्टर्स बेहद जरूरी है और इंक्लूड किए जाते हैं ताकि एक फंक्शनल आरएनए हमें मिल सके। सबसे पहले कैपिंग, ठीक है, कैपिंग की जाती है, उसमें जो टर्मिनल जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है वो ट्राइफॉस्फेट होता है, तो उसमें से दो फॉस्फेट निकाल दिए जाते हैं। और जीटीपी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अगर आपको ये डिस्कशन में याद हो कि जीटीपी जनरली होता है तो क्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो वो आके लगता है लास्ट न्यूक्लियोटाइड के, जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ में आके लगता है, उसके दो फॉस्फेट हट जाते हैं और ये कैपिंग हो जाती है। 5' कैप स्ट्रक्चर इज फाउंड इन हेटरोन्यूक्लियर आरएनए 2 द कैपिंग प्रोसेस। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था ये न्यूक्ली में ही होता है, पहले ही होता है, अभी वो पोस्ट ट्रांसलेशन जो मॉडिफिकेशन हो रही है न्यूक्ली में ही हो रही है, अभी वो साइटोप्लाज्म में नहीं आया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अंदर ही हो रही है। The cap structure of mRNA will be recognized by the cap binding protein. तो ये cap binding protein होता है जो recognize कर लेता है, ठीक है? The capping occurs prior to splicing. RNA की जब splicing होती है, transcript की splicing होती है, उससे पहले capping होती है। क्यों? क्योंकि it prevents unraveling, मतलब उसको unravel होने से, RNA को बिखरने से, खुलने से बचाता है, और ये help करता है कि ribosomes attach हो पाए। पॉली ए टेलिंग ये भी न्यूक्ली में भी होती है, ये भी न्यूक्ली में ही होती है, पहले ही होती है। तो इसमें क्या होता है कि देयर इज नो पॉली डीटी सीक्वेंस ऑन द डीएनए टेम्पलेट, ठीक है, पॉली ए टेम्पलेट ए ऐड जुड़ जाते हैं, जिसको कि हम पॉली एडेनाइलेटेड एमआरएनए प्रिकर्सर भी बोलते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसी की एक छोटी सी पिक्चर अगर आप दोबारा से देख रहे होंगे यहां। एक्सॉन और इंट्रॉन, मैंने आपको बताया था कि मैं डिस्कस करूंगा एक्सॉन और इंट्रॉन का, ये आपको यूकैरियोट्स में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता, ठीक है? तो एक्सॉन किसको बोलते हैं, एक्सॉन आर द कोडिंग सीक्वेंस दैट अपीयर ऑन द प्राइमरी, मतलब इनसे जो प्रोटीन है वो कोड होता है, बट इंट्रॉन आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस, वो कोड नहीं करती, ठीक है? So the introns are the non-coding sequence that are transcribed into primary RNA and will be cleaved out. तो इनको हटा दिया जाता है। जब functional हमें mRNA चाहिए या tRNA चाहिए या rRNA चाहिए, उसमें से introns निकाल दिए जाते हैं। So they are the non-coding sequence that are transcribed into the primary mRNA में तो होती हैं, but splicing process में उन्हें निकाल दिया जाता है। तो उससे फिर खाली exon रह जाते हैं। अगर आप देखेंगे mRNA splicing, ठीक है, एक ओवलब्यूमिन इंजीन बताया हुआ, ठीक है, 7700 बेस पेज आप देख रहे होंगे अपनी फिगर के स्क्रीन पे, ठीक है? तो उसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 बताया हुआ। तो ये बेसिकली आप देखेंगे जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन गया, आरएनए बन गया, ठीक है, वैसे बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन हो गई इसकी, उसके बाद 5' कैप लगी हुई है, ठीक है? अब क्या हो रहा है, तीन कैप लगने के बाद तीन स्टेजेस हो रही हैं, 7 इंट्रॉन्स हैं। ये क्या बता रहा है, 7 इंट्रॉन्स हैं, मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, तो ये हट जाएंगी और मैच्योर आरएनए बन जाएगा आपका। अब क्या हो रहा है, स्प्लाइसिंग हो रही है, क्लीवेज हो रहा है और पॉली एडेनाइलेशन, तीन प्रोसीजर हो रहे हैं, है ना? और जो एक्स्ट्रा आरएनए आपको रेड उसमें दिख रहे हैं वो हटा दिया गया है, ठीक है? मैच्योर आरएनए और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में फर्क है,
ठीक है, तो ये देखिए 7700 बेस पेयर से शुरू हुआ था और फाइनली कितना आया, 1872 न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। और आप पॉली ए टेल भी देख रहे होंगे अपने राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये स्प्लाइसिंग हुई, एमआरएनए को काटा गया फ्रॉम नेसेंट आरएनए टू मैच्योर एमआरएनए, ठीक है। उसके बाद एडिटिंग होती है, इट टेक्स प्लेस एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल। वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन प्रोटीन, ध्यान में रखिए, एक जीन से खाली एक प्रोटीन नहीं बनता, मोर देन वन प्रोटीन, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि अलग अलग टिश्यूज में अलग अलग पर्पस ऑफ डिफरेंशिएशन रहता है, इसलिए एक जीन से कई सारे प्रोटीन बन सकते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ टीआरएनए, देखिए ट्रांसफर आरएनए जब बना है उसमें कैसे कैसे मॉडिफिकेशन हुए हैं, आप देखेंगे 3 डैश पे, अगर आप देखेंगे बिटवीन अर्ली ट्रांसक्रिप्ट एंड मेच्योर टीआरएनए, ध्यान से देखिए आप कई सारे चेंजेस, तीन चार चेंजेस तो एटलीस्ट आप देखेंगे, ठीक है। 5 डैश एंड पे आपने क्या देखा कि एक लीडर सीक्वेंस है, उसे काट दिया गया, मेच्योर टीआरएनए वो नहीं प्रेजेंट है, अर्ली ट्रांसक्रिप्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंडली आप देखेंगे इंट्रॉन जो है वो काट दिए गए, ठीक है, काट दिए गए तो स्प्लाइस कर दिए गए। और 3 डैश एंड पे आप देखेंगे तो यू यू है, उसे काट के सीसीए लगा दिया गया है। एक दो चेंजेस और भी हैं, ठीक है। तो एडिशन ऑफ सीसीए, जैसे आपको पहले बताया पिछली स्लाइड में, 3 डैश एंड पे देखेंगे तो एच हटा के आपको सीसीए लगा दिया गया है, ठीक है। इन द विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टीआरएनए न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज यूजिंग एनर्जी ऑफ एटीपी, एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है क्योंकि केक करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एटीपी, एटीपी को एनर्जी करेंसी बोला जाता है, ठीक है। ये आप देखेंगे बेस मॉडिफिकेशन, ये सारी चेंजेस हो रही हैं टीआरएनए में आपके, ठीक है। नेक्स्ट में चलूंगा मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए, क्योंकि टाइम की पॉसिबिलिटी है, हमने ट्रांसलेशन भी अभी प्रोसीजर शुरू करना है, तो मैं फाइनली आपको बताना चाहूंगा कि ये मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए भी होता है, ठीक है। आरएनए राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 18S, 5.8S और 20S आरएनए, ठीक है। तो ये इस टोटल को होता है 45S आरआरएनए होता है, इसमें तीन ये सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। स्प्लाइसिंग, ट्रांसक्रिप्शन के बाद स्प्लाइसिंग होती है और तीन तरह के आरआरएनए बन जाते हैं, 18S आरआरएनए, 5.8S आरएनए और 28S आरआरएनए, ठीक है। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन्स आर स्प्लाइस्ड आउट ऑफ प्री एमआरएनए टू प्रोड्यूस द मैच्योर आरएनए, ठीक है। टिश्यू स्पेसिफिक ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग होती है, बिकॉज हर एक टिश्यू में अलग अलग एक्सप्रेशन चाहिए, दैट्स व्हाई टिश्यू स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होता है, ठीक है। द मेच्योर आरएनए ए टिश्यू पजेस डिफरेंट एक्सॉन रिजल्टिंग इन डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेम जीन, ठीक है, आप समझ गए। बिकॉज इट इज डिटरमाइंड बाय, क्या डिटरमाइन करता है, टिश्यू स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट द प्रोसेसिंग ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, है ना। तो अलग अलग टिश्यूज में अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है, और अलग अलग प्रोटीन्स बनाए जा सकते हैं फ्रॉम सेम जीन। हम आते हैं ट्रांसलेशन के ऊपर, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया और अब ट्रांसलेशन, अब ट्रांसलेशन में क्या होता है, अब आपका ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, एमआरएनए टीआरएनए या आरआरएनए तो बन गया, ठीक है, डीएनए से, अब क्या हो गया, प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। तो जब प्रोटीन्स बनते हैं फ्रॉम आरएनए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑकर्स एट राइबोसोम्स व्हिच आर आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है, ठीक है। एमआरएनए जो है जब होता है वो न्यूक्लियस छोड़ देता है, ठीक है, उसने न्यूक्लियस छोड़ दिया एमआरएनए ने, और फिर वो आ गया बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छोड़ के साइटोप्लाज्म में आ गया, जहां पे अब प्रोटीन्स फॉर्मेशन बिगिनिंग होगी, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बनेंगे। एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए, इट विल कनेक्ट विद द राइबोसोम एंड द अमीनो एसिड्स अटैच्ड टू ट्रांसफर आरएनए व्हिच आर डिलीवर्ड वन बाय वन, और प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, कैसे प्रोटीन बनेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन एमआरएनए। एमआरएनए की जो सीक्वेंस है व्हिच इज अगेन डिक्टेटेड बाय द टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना, तो वो उसने बताई थी टेम्पलेट से, आपका एमआरएनए बना था,
एमआरएनए अब जब बाहर आया तो उसकी जो सीक्वेंस है वो डिक्टेट करेगी कि कौन कैसे ट्रांसलेशन हो, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या हो. ठीक है, एमआरएनए इज डिकोडेड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्ट आरएनए सच एज टीआरएनए आरआरएनए आर नॉट नेसेसरली ट्रांसलेटेड टू अमाइनो एसिड सीक्वेंस. एमआरएनए जो है वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस में ट्रांसलेट होता है, बाकी नहीं होते. टीआरएनए आरएनए वो अमाइनो सीक्वेंस में ट्रांसलेट नहीं होते. ठीक है, चार स्टेप्स हैं अगर आप याद करेंगे. ट्रांसक्रिप्शन में तीन स्टेप्स थे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, बट ट्रांसलेशन में चार स्टेप्स हैं, एक्टिवेशन, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन. जरूरी नहीं एक्टिवेशन स्टेप इंक्लूड हो, ज्यादातर स्टडीज में नहीं इंक्लूडेड है, बट एक्टिवेशन होता है. एक्टिवेशन क्या है? इट इज अ स्टेप ऑफ एक्टिवेशन. एक्टिवेशन में करेक्ट अमाइनो एसिड इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू करेक्ट टीआरएनए, है ना. टीआरएनए कहाँ से उसे पता कर रहा है, पता करना पड़ेगा कि ये मेरे को इसी अमाइनो एसिड को लेना है. ठीक है, तो वो बेसिकली सीक्वेंस मैंने बताया ना, सीक्वेंस ऑफ बेसिस, वो उस बेसिस को देख के ही जो टीआरएनए है वो उस अमाइनो एसिड को अटैच करता है, कोवेलेंटली बॉन्ड करता है. ठीक है, द अमाइनो एसिड इज ज्वाइंड बाय इट्स कार्बोक्सिल ग्रुप टू द 3-OH ऑफ द टीआरएनए बाय एन एस्टर बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ एटीपी. अगेन एनर्जी चाहिए अमाइनो एसिड को जो बाइंड होना उसके 3-एंड पे. ठीक है, और एनर्जी किसकी है? एटीपी की, एडीन जो करेंसी है हमारी. व्हेन टीआरएनए हैज एन अमाइनो एसिड लिंक टू इट, इट इज टर्म्ड एज चार्ज. सो जब टीआरएनए अमाइनो एसिड के साथ में बाइंड हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? चार्ज टीआरएनए. ठीक है, आप ये देखेंगे इधर आपका चार्ज टीआरएनए. ठीक है, 3-एंड पे देखिए आप अमाइनो एसिड बाइंड कर गया. डिपेंडिंग अपॉन कौन सा अमाइनो एसिड बाइंड किया, वो अमाइनो एसिड बाइंड किया डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस ऑफ द टीआरएनए. टीआरएनए का जो एंटीकोडन है वो डिटरमिन करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड बाइंड करना चाहिए, और वो एंटीकोडन कैसे पता चलता है? वो एमआरएनए के कोडन से. सो अल्टीमेटली डिटरमिन क्या करता है? एमआरएनए का कोडन. जो एमआरएनए का कोडन होगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करने पे टीआरएनए का एंटीकोडन होगा, और वो जो कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए पे एंटीकोडन होगा वो डिटरमाइन करेगा कौन सा अमाइनो एसिड बाइंड करना है. सो देखिए कैसे जो जानकारी है छुपी हुई बिल्कुल सही तरीके से, कि कौन सा प्रोटीन कितनी बारीकी से और कितने सिस्टमेटिक वे से और विदाउट एनी एरर, एरर के चांसेस नहीं है, प्रूफ रीडिंग होती है ताकि सही अमाइनो एसिड, सही प्रोटीन, सही अमाइनो एसिड बाइंड करे ताकि सही अमाइनो एसिड सॉरी सही प्रोटीन जनरेट हो सके. इनिशिएशन, ठीक है, तो प्रोक्रियोट्स इनिशिएशन रिक्वायर्स द लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स. द एमआरएनए इनिशिएटेड टीआरएनए, एंड इसमें तीन इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, IF1, IF2 एंड IF3, और जीटीपी की एनर्जी. ठीक है, IF3 बाइंड्स टू 30S सब यूनिट. आपको भी पता है कि जो राइबोसोमल सब यूनिट है दो तरह के सब यूनिट होते हैं, तो उसमें IF3 विल बाइंड टू द फ्री 30S सब यूनिट. ठीक है, एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट लार्ज सब यूनिट बाइंडिंग टू इट. तो पहले वो प्रिवेंट करेगा लार्ज सब यूनिट विदाउट एमआरएनए. देखिए कितना सीक्वेंस वाइज है, जब तक एमआरएनए नहीं है IF3 बाइंड करेगा फ्री सब यूनिट को ताकि वो लार्ज सब यूनिट से बाइंड ना करे और राइबोसोम इनएक्टिव रहे. ठीक है, जब एमआरएनए आ जाएगा, जब ट्रांसलेशन शुरू करनी होगी तो वो उसको छोड़ देगा ताकि वो बाइंड कर सके लार्ज सब यूनिट को और जो राइबोसोम है वो एक्टिव हो जाए. ठीक है, IF2 कॉम्प्लेक्स विद GTP एंड IF1 बाइंड्स टू स्मॉल यूनिट. ठीक है, द इनिशिएटर टीआरएनए कैन देन बाइंड टू कॉम्प्लेक्स बाय बेस पेयरिंग विद एंटी कोडन. ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया एमआरएनए पे एयूजी कोडन, उसका एंटी कोडन टीआरएनए. ठीक है, वो बाइंड होता है और इनिशिएशन और जो ट्रांसलेशन है वो प्रोटीन फॉर्मेशन है उसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, देखिए IF3 जो पहले प्रिवेंट कर रहा था बाइंडिंग के लिए, इनएक्टिव राइबोसोम बना हो रहा था वो रिलीज हो गया ताकि अब राइबोसोम एक्टिव हो जाए. ठीक है, और उसको बोला जाता है दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. 50S सब यूनिट इसको बाइंड करेगा, वो IF1 IF2 हटा देगा, GTP की एनर्जी होगी और ये कॉम्प्लेक्स आपका बन गया 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इन प्रोकैरियोट्स.
ठीक है, अब राइबोसोम के ऊपर आप देखेंगे दो टीआरएनए बाइंडिंग साइट्स हैं। अभी हम उस स्ट्रक्चर पे भी आएंगे, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कैसे उसके ऊपर दो टीआरएनए की बाइंडिंग साइट्स हैं, एक ए साइट है और एक पी साइट है। ठीक है, ए साइट फॉर अमाइनोसाइड एंड पी फॉर पेप्टिडाइल साइट्स एंड वन इज एक्सिट साइट, एक को निकालने के लिए फॉर एम्प्टी टीआरएनए, टीआरएनए जब खाली हो जाए तो उस एक्सिट से निकल जाए। जो ए साइट है देखिए वो डिटरमिन करती है इनकमिंग अमाइनो एसिड टीआरएनए, ठीक है, नया टीआरएनए मॉलिक्यूल वो ए साइट पे बाइंड करेगा, और जो पी साइट है वो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन पे वो टीआरएनए रहेगा। ठीक है, द साइट्स आर इन क्लेफ्ट ऑफ अ स्मॉल सब यूनिट एंड कंटेन एडजेसेंट कोडन, तो ये कोडन जो एमआरएनए के ऊपर है वो डिक्टेट करते जाएंगे कि टीआरएनए ए साइट पी साइट ए साइट पे जो जो बाइंड करते जाएंगे, और पी साइट पे जो ऑलरेडी जहां पे चेन बन चुकी है अमाइनो एसिड की वो होगी। ठीक है, अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। वन मेजर साइट ऑफ इनिशिएशन इज द प्लेसमेंट ऑफ स्टार्ट, कहां से हुआ, टीआरएनए जो पी साइट पे बाइंड करेगा, जब पी साइट पे बाइंड करेगा तो इनिशिएशन स्टार्ट हो गई। अगर आप देखेंगे IF3 बाइंड है तो उस टाइम तक इनएक्टिव रिबोसोम है, इनिशिएशन स्टार्ट नहीं हुई है, इनिशिएशन स्टार्ट होगी जब 50S विल कंबाइन विद 30S, राइबोसोम एक्टिव हो जाएगा, एमआरएनए पे टीआरएनए आके लग देगा और फिर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये दिखा रहा है स्टार्ट कोडन आया, ठीक है, स्टार्ट कोडन पे आप देखेंगे एक टीआरएनए आके बाइंड किया, ठीक है, टीआरएनए बाइंड किया और इनिशिएशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद जब स्टार्ट हो गया तो जो नेक्स्ट नेक्स्ट कोडन को देख के टीआरएनए वही स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लाया और बाइंड किया, उस एंटी कोडन और कोडन का कॉम्बिनेशन हुआ और उसने बाइंड किया नेक्स्ट टीआरएनए ने ए और ए साइट के ऊपर। ठीक है, इलॉन्गेशन, जब 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया उसके बाद इलॉन्गेशन प्रोसेस शुरू हो गया, मतलब अब अमाइनो एसिड चेन बननी शुरू हो गई, और इसमें तीन इलॉन्गेशन फैक्टर्स मैंने आपको पहले भी बताया था, वो हैं EFTU, EFTS एंड EFG, ठीक है, और अमाइनो एसिड टीआरएनए डिलीवरी, अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इलॉन्गेशन फैक्टर TU इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द अमाइनो एसिड टीआरएनए टू ए साइट। देखिए जो ए साइट है वहां पे टीआरएनए अमाइनो एसिड लाएगा और बाइंड करेगा, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो कहां से मिलेगी, GTP से, ठीक है, और जो नेक्स्ट है आपका द रिजल्टेंट EFTU GT कॉम्प्लेक्स इज नाउ अवेलेबल टू बाइंड अनदर अमाइनो एसिड टीआरएनए एंड डिलीवर इट टू राइबोसोम। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं, उससे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है, ये देखिए आप इस स्ट्रक्चर को देखिए इलॉन्गेशन में, ठीक है, ये दोनों 1-2 आप देख रहे हैं, ठीक है, ए साइट और पी साइट पे देख रहे हैं आप, ठीक है, देख रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई बिटवीन अमाइनो एसिड 1 और 2, ये जो पहला था ये इसको आके बाइंड कर गया, ठीक है, बाइंड कर गया पहले वाले के साथ में, बाइंड कर गया, ये हमेशा इसको बाइंड करेगा और फिर ये निकल जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 1-2 बाइंड हो गया और नया और आके लगेगा, और पुराना जो है मतलब जो खाली हो गया वो एग्जिट हो जाएगा, 3 नंबर पे आप देख रहे हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड 3 इज अराइविंग, 1-2 तो लग गए, तीसरा आके लगेगा कोडन को देख के टीआरएनए को आके लगेगा, ठीक है, और फिर आप देखेंगे जो पहले वाला था जो खाली हो गया क्योंकि 1 ने 2 को दे दिया ना, ठीक है, तो 1 खाली हो गया तो वो अब निकल जाएगा। ठीक है, इस पिक्चर में आपको ज्यादा क्लियर होगा, मैं 2-3 स्लाइड पीछे जाऊंगा, बट पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कराना चाहता हूँ कि कैसे होता प्रोसीजर। अगर आप देखेंगे ए साइट पी साइट और ई एक्सिट साइट आप देख रहे हैं, ठीक है, एमआरएनए के आप देख रहे हैं लगा हुआ, ए एक्टिव राइबोसोम आपको नजर आ रहा है, उसके यूनिट्स अटैच हुए, ठीक है, कोडोन रिकॉग्निशन हुई नया, देखिए अगर आप देखेंगे पहले पी साइट पे कौन से हैं, 3-4 प्रोटीन ऑलरेडी लग चुके हैं जो आपको वो अलग अलग सॉरी अमाइनो एसिड लग चुके हैं, आप देखेंगे अमाइनो एसिड की चेन एक सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर पॉलीगन टाइप वो दिखा रहा है ना, ज्वाइन हुए हुए, वो बेसिकली दिखा रहा है कि कुछ अमाइनो एसिड ऑलरेडी लगे हुए हैं पी साइट के ऊपर, ठीक है, टीआरएनए को। अब नया टीआरएनए आया, उसने कोडोन रीड किया एमआरएनए के ऊपर, एंटी कोडोन वो अपना आया, अब वो अटैच हो जाएगा,
ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई, जीटीपी की एनर्जी रिलीज हुई, जीटीपी और पीआई बन गया, ठीक है, कोडोन रिकॉग्निशन हुआ। अब देखिए कैसे, जो पहले पी पे जो अमाइनो एसिड चेन थी, एक दो तीन चार अमाइनो एसिड चेन थी, वो अब शिफ्ट होके ए पे जा रहा है। देख रहे हैं आप, जो ए पे नया टीआरएनए आया, जो अमाइनो एसिड आया, उसके ऊपर उन्होंने अपना जो पहले अमाइनो एसिड चेन थी वो ट्रांसफर कर दी, ठीक है। अब पी खाली हो गया, ठीक है। अगर आप थर्ड पे उसके नीचे आएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ऑब्वियसली वन अमाइनो एसिड विल बी अटैच्ड टू अनदर अमाइनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब ए के ऊपर आप देखेंगे थर्ड उसमें, तो देखेंगे अमाइनो एसिड चेन उधर हो गई, पी खाली हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, आप देखेंगे जो पी है वो अब ए की ओर शिफ्ट कर जाएगा और निकल जाएगा, जो खाली हो गया वो निकल जाएगा, ठीक है, एग्जिट, वो एग्जिट हो जाएगा, मूव कर गया। देखिए वन वन स्लाइड करेंगे, फिर एनर्जी रिलीज हुई, स्लाइड किया, जो पी था खाली हो गया था वो ई की तरफ एग्जिट हो गया, ठीक है, और जो पहले वाला ए था वो अब पी की तरफ आ गया, और एक साइड खाली होगी वो इनकमिंग अमाइनो एसिड टीआरएनए के लिए। गेटिंग द पॉइंट, कैसे स्लाइड करते रहते हैं और धीरे धीरे नया आके बाइंड करता रहता है, ताकि अमाइनो एसिड सिंथेसिस हो, अमाइनो एसिड प्रोटीन बायोसिंथेसिस होती रहे, अमाइनो एसिड चेन एक्सटेंड करती रहे डिपेंडिंग ऑन द कोडोन एंड द एंटीकोडोन। मैं वापस जाता हूँ, हम इधर से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर अमाइनो एसिड टीआरएनए डिलीवरी, द ए एंड पी साइड्स आर बोथ ऑक्यूपाइड, दोनों ऑक्यूपाई होगी और दो अमाइनो एसिड को ज्वाइन होना है यूजिंग पेप्टाइड, ठीक है। तो पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ता है दो अमाइनो एसिड्स को, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसलोकेशन, ए कॉम्प्लेक्स ऑफ इलॉन्गेशन फैक्टर जी ट्रांसलोकेस एंड जीटीपी बाइंड्स टू द रिबोसोम, इट इज अगेन एन एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप। अब जो टीआरएनए खाली हो गया, जिसने कि अपनी जो चेन थी वो जो ए नया आया था उसे दे दिया था, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, अब वो खाली हो गया, तो डिस्चार्ज टीआरएनए, वो डिस्चार्ज हो गया ना, क्योंकि अब चार्ज तो रहा नहीं। एक्टिवेशन में आपको याद होगा हमने चार्ज किया था जब अमाइनो एसिड के साथ में बाइंड होता है, बट जब उसने अमाइनो एसिड दे दिया तो डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, तो वो इजेक्ट हो गया, ठीक है। और जो पहले वाला था ए से, पेप्टाइड इज मूव फ्रॉम ए टू पी साइड, ठीक है, द नेक्स्ट एमआरएनए मूव्स बाय वन कोडन, एमआरएनए एक कोडन मूव कर गया ना ऑन द राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टर्मिनेशन के ऊपर, तो टर्मिनेशन के ऊपर क्या रहता है, अगेन रिकॉग्निशन ऑफ द सीक्वेंस रहती है कि टर्मिनेट कब किया जाए, ठीक है। टर्मिनेट करने का सीक्वेंस रहता है जब स्टॉप कोडन आ जाते हैं यू यू ए यू जी ए और यू जी ए, जब ये सिग्नल्स तीन कोडन एमआरएनए के ऊपर आ जाते हैं, इसका मतलब है खत्म कर दिया जाए ट्रांसलेशन को, ठीक है, क्योंकि कोई भी टीआरएनए इसको रिकॉग्नाइज, इन तीन कोडन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। बट जो रिलीजिंग फैक्टर है जिन्होंने रिलीज कराना है उस सारे अमाइनो एसिड चेन को, पॉलीपेप्टाइड चेन को, वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इन स्टॉप कोडन को, ताकि उनका कहने का मतलब बस अब खत्म करो, अब रिलीज करो, ठीक है। सो इन प्रोकैरियोट्स वंस अ स्टॉप कोडन ऑक्युपाइज ए साइट, जब वो ए साइट पे आता है, टर्मिनेशन फैक्टर और रिलीजिंग फैक्टर 1 2 3 होते हैं, दे कंट्रीब्यूट टू हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड टीआरएनए, तो वो जो चेन पेप्टाइड चेन और टीआरएनए के बीच में बॉन्ड है उसे ब्रेक कर देते हैं, और जो फ्री पॉलीपेप्टाइड है वो रिलीज हो जाता है। इसके साथ में ही जो आपका सब यूनिट है वो 70s, इट्स गेट सेपरेटेड इनटू 30s एंड 50s सब यूनिट्स, ठीक है। तो ये देखिए रिलीज फैक्टर आया, ठीक है, उसे कोई भी टीआरएनए नहीं पढ़ पाता है, एमआरएनए के ऊपर जब स्टॉप कोडन आया उसे कोई भी टीआरएनए नहीं पढ़ पाता है, रिलीज फैक्टर उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और वो बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं बिटवीन टीआरएनए एंड द पॉलीपेप्टाइड चेन, और फ्री पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो गया, एनर्जी 2 जीटीपीस गेट्स कन्वर्टेड टू 2 जीटीपी, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रांसलेशन इन यूकेरियोट्स, ठीक है। देखिए जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में करा था, सेम प्रोसेस ट्रांसलेशन भी हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिस्कस करें, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में तो हो गया, ठीक है, ट्रांसलेशन, अब यूकैरियोट्स, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड,
दैट इज ट्रांसलेशन बिगिंस व्हाइल द एमआरएनए स्टिल बीइंग सिंथेसाइज्ड बट इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इन यूकैरियोट्स ट्रांसलेशन ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है और बट प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इकट्ठा होता है कपल्ड होता है ठीक है जैसे हम यूकैरियोट्स के बारे में बताते हैं तो अगेन ट्रांसलेशन में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ठीक है इसमें 10 इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए ठीक है और इसमें तीन तरह के प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हैं अब अगर आपको याद होगा वहां पे हमने प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स किया था प्रोकैरियोट्स में जिसमें 6 फैक्टर्स थे बट यूकैरियोट्स में 10 इनिशिएशन फैक्टर्स हैं और इसमें तीन मेन है फॉर्मेशन ऑफ 43 पीएस प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ 48 एस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ 80 एस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ठीक है तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स 43 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स 48 एस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ 80 एस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तो ये जब सारे होंगे बाइंड करेंगे तभी इनिशिएशन स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा नहीं तो नहीं होगा ठीक है ये देखिए कितने सारे इनिशिएशन फैक्टर्स आप देख रहे हैं ये सारे इनिशिएशन फैक्टर्स इकट्ठे होंगे तभी ट्रांसलेशन बिगिन होगा नहीं तो ट्रांसलेशन नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट हम आते हैं इलॉन्गेशन के ऊपर ठीक है राइबोसोम इलॉन्गेट द पॉलीपेप्टाइड चेन बाय सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ कोडन्स एमआरएनए की जो सीक्वेंस है वो डिटरमाइन करेगी कौन से अमीनो एसिड इट इज सिमिलर लाइक प्रोकैरियोट्स ठीक है इलॉन्गेशन फैक्टर्स भी इसमें रहते हैं इलॉन्गेशन को तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है binding of amino acid tRNA to A site, peptide bond formation और transcription. ये similar है जैसे हमने prokaryotes में किया था. ठीक है? अगर आपको याद हो वहाँ पे 70S initiation complex था, यहाँ पे 80S initiation complex है. ठीक है? तो और इसमें सबसे पहले methionine tRNA P site के ऊपर attach होता है. methionine tRNA. ठीक है और अनदर अमीनो एसिड टीआरएनए जब वो लग जाता है पी साइट के ऊपर और ए साइट खाली है तो इस पहले मिथिलिन टीआरएनए लगेगा पी साइट के ऊपर और फिर दूसरा अमीनो एसिड टीआरएनए अटैच करेगा टी ए साइट के ठीक है तो फिर कोडन रिकॉग्निशन करेगा वो डिपेंड करता है कोडन रिकॉग्निशन के ऊपर ठीक है ऑन एमआरएनए ठीक है और अमीनो एसिड टीआरएनए इज प्लेस्ड इन द ए साइट elongation factor 1A and GTP are recycled to bring another amino acid फिर peptide bond formation होगा जैसे peptide bond formation होता था ठीक है peptide bond formation होगा जो chain जैसे मैंने आपको बताया था कि नया A पे जो tRNA लगेगा तो जो पहले वाला T site पे है वो अपनी amino acid A site पे जो लगा है उसे आके दे देगा peptide bond formation हो जाएगा दो amino acid के का ज्वाइनिंग होगा पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू पेप्टाइडल ट्रांसफरेस एंजाइम ठीक है और फिर वो खाली हो गया तो वो निकल जाएगा ठीक है और जो ए वाला है वो पी की तरफ मूव कर जाएगा और जो ऑलरेडी ए साइड थी वो खाली हो गई जहां पे एक नया टीआरएनए आके लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कोडन ऑफ द एमआरएनए ट्रांसलोकेशन राइबोसोम मूव टू द नेक्स्ट कोडन ऑफ एमआरएनए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ट्रांसलोकेशन किसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ ग्रोइंग peptide chain from A site to P site. A site से P site पे जब chain चली जाती है, ठीक है? इसमें elongation factor 2 और GTP की energy चाहिए. GTP की जैसे पहले भी आप देख चुके हैं कि GTP hydrolyze होता है GTP में और वो energy चाहिए translocation, ठीक है? ये आप देखेंगे, ठीक है? तो आप देखेंगे E P exit site, P A site, incoming amino acid tRNA, charged tRNA आ रहा है, ठीक है? और जो पहले वाली चेन है वो ऑलरेडी ए साइड पे जो अमीनो एसिड है उस पे चली जाती है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन दो अमीनो एसिड के बीच में ठीक है और वो जो पहले वाला पी था वो खाली हो गया वो निकल जाता है और जो ए वाला है वो पी पे मूव कर जाता है एरो देख रहे होंगे आप ए से पी की तरफ मूव करने का थर्ड उसमें ठीक है नीचे सबसे ठीक है अब पी साइड पे वो मूव कर गया ए साइड खाली होगी इनकमिंग उस पे आ सकता है और जो पहले वाला वो इजेक्ट हो गया टर्मिनेशन ठीक है खत्म कैसे होता है ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स
इसमें स्टॉप सिग्नल है, यूजीए, यूए एंड यूजीए, ठीक है। तो ये जब कोडन आ जाते हैं एमआरएनए के ऊपर, इसको कोई भी टीआरएनए रिकॉग्नाइज नहीं करता, रिलीज फैक्टर जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और इन स्टॉप कोडन्स को और टर्मिनेशन हो जाता है और राइबोसोम अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। टीआरएनए कैरिंग द पॉलीपेप्टाइड इज ऑल्सो रिलीज, फ्रीइंग अप द पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट, ठीक है, राइबोसोम अलग अलग हो जाते हैं। ये रिलीज फैक्टर यूकेरियोट्स में बताए हुए हैं, ठीक है। ज्यादा सारे रिलीज, ज्यादा रिलीज फैक्टर है 3-1, ठीक है, तो ये खत्म कर देते हैं और रिलीज फैक्टर अलग अलग हो जाते हैं। देखेंगे जो ATS RNA है वो 40S और 60S RNA सब यूनिट्स में स्प्लिट हो गया, ठीक है, जब रिलीज हो गया सब कुछ। ये कुछ रेफरेंसेस है, कुछ बुक्स है जो आप पढ़ सकते हैं और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। यूकेरियोट्स में ऑब्वियसली ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो इसलिए ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस वजह से अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं और यूकेरियोट्स एज वेल एज प्रोकेरियोट्स के हर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप इन बुक्स को बड़ी इजिली रेफर कर सकते हैं। जैसे लिलिंजर है, हार्पर है, वाइट है, जीएल जैन है और सत्यनारायण बुक है, ठीक है। ये इंडियन ऑथर्स की बुक है, जीएल जैन और सत्यनारायण, आप इन्हें भी रेफर कर सकते हैं।